ऑप्टिक्स का पार्ट देखते हैं, स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फेयर। स्फेरिकल सरफेस जो होता है आपका पार्ट ऑफ स्फेयर होता है। यहाँ पे देखिए, पहले हम इसमें हमारे जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं स्फेरिकल सरफेस। एक तो आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस होता है और दूसरा आपका होता है कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। हम जो होता है रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का पहले देखते हैं, फिर कॉनकेव का देखेंगे। स्टूडेंट ये बताएं कि जब हमारा इंसिडेंट रेज के साइज में अगर उभरे हुए भाग के तरफ, इंसिडेंट रेज की तरफ उभरा हुआ पार्ट होता है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहलाता है। हमने बताया आपको कि स्फेरिकल सरफेस इज द पार्ट ऑफ स्फेयर। स्फेरिकल सरफेस आपका होता है पार्ट ऑफ स्फेयर। इसमें टू टाइप हो गया, एक तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और दूसरा आपका हो गया कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। जब इंसिडेंट रेज हमारी उभरे हुए तल के तरफ होती है तो वो हमारा कॉन्वेक्स कहलाता है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहलाता है। और जब इंसिडेंट रेज दबे हुए तल की ओर होती है तो हमारा कहते हैं उसको कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारा रिलेशन निकल कर आता है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये रिलेशन है, काफ़ी रिलेशन इम्पॉर्टेंट होता है आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का, और आपका ये जो आपका बोर्ड स्तर का हो, बोर्ड एग्जामिनेशन का पर्पज़ से देखें तो दोनों पर्पज़ से ये रिलेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इस रिलेशन को हम डिराइव करते हैं, तो यहाँ पे देखें कि हमने ले लिया, यहाँ पे हमारा है स्टूडेंट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। यहाँ से आप देखें तो हम लेते हैं, ये आपका है देखिए कि ये हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। यस पी यस डैश इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट, वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पी इज द पोल एंड सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि ऑब्जेक्ट हमारा वो है, यहाँ से टू रेज हमारी एमिट होती हैं, निकलती हैं, एक तो ऐसे जा रही है आपकी और दूसरी रेज आपकी ऐसे जा रही है। तो ये रेज नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो सीधे ये पास हो जाती है, और ये वाली रेज यहाँ पे जब आपकी इंसिडेंट होती है ये पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और नॉर्मल हमेशा ऑलवेज जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रा किया जाता है। तो ये हमारा सी एन नॉर्मल है, आपका ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ सपोज करते हैं, इसको हम एंगल, ये देखिए जो हमारे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है और इंसिडेंट रेज है, एंगल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर मेक कर रही है, इसको हमने अल्फा सपोज किया। यहाँ पे जो नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल मेक कर रहा है उसको हमने गामा सपोज किया, और ये इमेज है तो इमेज को हमने बीटा सपोज किया। तो यहाँ से इंसिडेंट रेज आई आपके स्टूडेंट, तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि एस पी एस डैश जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है टू मीडियम को सेपरेट करता है, इस तरफ का जो मीडियम है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इस तरफ का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। ये हमारा डेंसर है, ये हमारा रेयर है, तो इसमें रे जो आ पा रही है, तो देखिए कि सी ए एन आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल की आती है इंसिडेंट रेज, तो यहाँ पे जो आपकी रेज है वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो इस साइड में बेंड हो गई। अब ये आपको मालूम है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच जो एंगल मेक होता है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच जो एंगल बनती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमने सपोज किया आर।
अब यहाँ पे इसी बात को जो हमने आपको फिगर में जो था एक्सप्लेन किया उसी को हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखें, लेट एस पी एस डैश बी ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस सेपरेटेड सेपरेटिंग ए रेयर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इसको हम म्यू टू सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लेट पी बी द पोल, पी को हमने सपोज किया कि हमारा पी पोल है, एंड सी बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी सी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी और सी आपका आर है। अब यहाँ पे देखिए, पोल से डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं, तो पोल से ये ऑब्जेक्ट है तो इसको यू से रिप्रेजेंट किया, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमारा इमेज यहाँ पे मेक हुआ तो इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ये वी हो गया, ये यू हुआ, और ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है पी सी, तो इसको हमने सपोज किया आर। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि हमारे पास ये एक फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमने लिया कि जो हमारा ओ ए एन है, ओ ए एन ये हमारा एक्चुअल में एंगल है, ओ ए एन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट है। फिर आई ए और सी, ये आपका आर है, देखें आई ये है और सी है, ये आपका आर है। पी ओ, अब पोल के लेफ्ट की डिस्टेंस जो होता है निगेटिव होती है, तो पी ओ आपका हो गया यू, तो इसको हम लिखेंगे माइनस यू। अब यहाँ से देखें, पोल से इस साइड में पी आई आपका प्लस भी होगा, क्योंकि पोल के राइट के डिस्टेंस मेजर होते हैं पॉजिटिव। और पी सी, पी सी हमारा प्लस आर होगा, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पे हम एक एंगल लेते हैं और वो देखिए कि अल्फा और ये हम गामा, ये वाले इतने पार्ट का एक हमने इतने भाग का एक ट्रेंगल ड्रा किया इस पार्ट का। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला अल्फा है, ये आपका गामा है और ये आपका आई है। तो आई जो होता है आपका एक्सटेरियर एंगल है, अप्लाइंग द ट्रेंगिल ट्रेंगिल्स ला, तो यह ट्रेंगिल ला आप देखेंगे तो एक्सटेरियर एंगल जो होता है सामने के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आई आपका होगा अल्फा प्लस गामा, तो आई इक्वल टू हम लिखेंगे अल्फा प्लस, यहाँ पे देखें कि ये हमारा सी है तो इस पॉइंट को हम सी, इसको हम ओ लेते हैं, और ये हमारा ए पॉइंट है। तो इसका ट्रेंगल लिए, यहाँ पे देखें ट्रेंगल है सी ए ओ सी ए, तो आई जो होगा अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगा, तो आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। अब हमारे पास एक और ट्रेंगल है सी ए आई, तो सी ए आई को हम लेते हैं, तो देखें कि यहाँ पे सी ए आई को आप लेंगे सी ए आई, तो यहाँ पे आपका गामा है, ये आपका आर है, ये आपका बीटा है, तो यहाँ पे ये गामा है, ये आपका एंगल आर और ये आपका एंगल है बीटा। तो आपको मालूम है कि ये गामा जो होता है एक्सटेरियर एंगल है, तो एक्सटेरियर एंगल होता है सामने के एंगल के सम के इक्वल होगा, तो गामा आपका आर प्लस बीटा के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे ट्रेंगल सी आई ए में गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। तो यहाँ से देखिए कि आर प्लस बीटा है। अब ये आपका यहाँ से आर को हम कैलकुलेट करें तो ये हमको मिलेगा गामा माइनस बीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब देखें कि आई और आर की वैल्यू निकल गया। आप यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ आपको मालूम है कि साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये देखें कि जो हमारी रेज है वो म्यू वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, तो म्यू वन से म्यू टू में जा रहा है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसी को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थियरी पार्ट में हमने जब स्नेल्स लॉ आपको बताया था तो आपको बताया था कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये जो एंगल मेक बन इसमें बन रहा है उसका साइन ले लीजिए, तो म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल टू, इसमें आपका म्यू टू है, इसमें एंगल आर है, तो म्यू टू इंटू साइन आर लिख सकते हैं। तो ये हम स्नेल म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ये आपका आई है और ये आपका साइन आर है। अब यहाँ पे देखें
कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अगर इफ एंगल आई एंड आर इज स्मॉल, अगर आई और आर स्मॉल हो तो साइन आई को हम आई के इक्वल लिख सकते हैं और साइन आर को आर के इक्वल लिख सकते हैं। तो देखें कि यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि हमारा एंगल आई और आर स्मॉल है, तो साइन आई इक्वल टू आई और साइन आर इक्वल टू हम आर लिखेंगे। तो हमको इस रिलेशन में यहाँ पे म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर मिलेगा, तो हम ले सकते हैं म्यू वन आई इक्वल टू म्यू वन आर। ये हम इसको कोई रिलेशन देते हैं म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें कि हमने इसको रिलेशन सपोज कर लिया, आई इक्वल टू हमारा निकल चुका था अल्फा प्लस गामा और आर इक्वल टू निकल चुका था आपका बीटा माइनस गामा, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस सॉरी ये गामा, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा निकली थी और आई की वैल्यू निकला था अल्फा प्लस गामा। अब इसको म्यू वन को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू गामा इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस म्यू टू इंटू बीटा, तो हमको ये रिजल्ट मिला। अब इसको हम इस तरफ लाते हैं, देखिए इसको हम इस तरफ लाते हैं और इसको हम इस तरफ, तो ये आप इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस है तो इधर आकर प्लस होगा, और इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस होगा। तो देखें म्यू वन अल्फा इधर लाए तो म्यू टू बीटा प्लस हो गया, इधर आप लाए तो गामा और गामा कॉमन हो जाएगा तो आपका म्यू टू माइनस म्यू वन, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू टू बीटा प्लस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा। अब हमको बीटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए, चूँकि हम सपोज कर लिए हैं कि हमारे एंगल स्मॉल है, अल्फा बीटा गामा स्मॉल है, तो हम यहाँ पे ट्रेंगल का इस्तेमाल करते हैं और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये ट्रेंगल है, राइट एंगल राइट ट्रेंगल, तो राइट ट्रेंगल हम लेते हैं ओ ए एम, ओ एम ओ ए एम को हम सपोज करते हैं। तो देखिए ट्रेंगल हम ले लिए कौन सा ओ ए एम, इस ट्रेंगल में हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से ट्रेंगल हम सपोज करते हैं। देखिए ट्रेंगल हम लिए यहाँ पे, आप नोट करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ट्रेंगल ओ, ये आपका ओ ए और एम, ये आपका ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को हम ले लेते हैं। देखिए तो इस ट्रेंगल में आपका यहाँ पे ले लें तो ये आपको मिला ये ट्रेंगल है। तो अब देखिए ओ ए एम में अल्फा, अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा ए एम अपॉन ए एम ओ, तो देखें कि टैन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका ए एम है और बेस आपका ओ एम है, तो ए एम अपॉन ओ एम, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए एम अपॉन ए एम ओ। अब देखिए कि अगर हम ये मान लें, सपोज कर लें कि जो डायमीटर है अपर्चर है, ये अपर्चर है इसकी हाइट, डायमीटर को ही अपर्चर बोलते हैं, तो ये आपकी अपर्चर है, अगर अपर्चर स्मॉल हो तो ये पॉइंट पी के करीब होगा, तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट हो जाए तो ये पी और यम आपके काफ़ी करीब होंगे, तो हम पी को यम सपोज कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे टेन ए एम अपॉन एम ओ, ए एम को हम ए पी लिख सकते हैं या इसको हम देखिए कि यम को पी लिख सकते हैं तो पी ओ। अब यहाँ पे ए एम की वैल्यू आप यहाँ पे देखें यच है, तो यहाँ पे हमने यच ले लिया और यहाँ पे पी ओ, पी ओ का मीन्स पोल के लेफ्ट में है तो माइनस यू, तो हमने माइनस यू ले लिया। इसी तरह से हमारे पास ट्रेंगल है, यहाँ पे देखें कि बीटा लेना है तो आप ए एम आई, ये ट्रेंगल आप ले लीजिए ए एम आई, इस ट्रेंगल को हम लेते हैं, तो ये ट्रेंगल आप लेंगे तो आपको टैन बीटा इक्वल टू फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका बेस है। और चूंकि हम लोगों ने ये सपोज कर लिया कि अगर अपर्चर स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर स्मॉल हो तो ये पॉइंट पी के करीब होगा और पी ए एम, पी और एम पास होंगे, तो पी और एम को हम एक ही पॉइंट सपोज कर लेंगे और तब हमको ए एम अपन एम आई, एम को हम पी लिखेंगे पी है। अब यहाँ पे देखें ए एम तो हमारा यच है और ये भी,
पोल के राइट का डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लेंगे प्लस भी, तो हमको मिला बीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। ठीक, हम फिर गामा लेते हैं, तो गामा हमारा हुआ टैन गामा ए एम अपॉन एम सी, और यम हम पी लिखेंगे तो पी सी। अब यहाँ पे देखिए गामा, ये हमने ट्रेंगल लिया, ट्रेंगल है हमारे पास या ए एम सी, ए सी एम, इस ट्रेंगल में लेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर एच और ये हो गया आपका आर, तो ये हमको मिला अल्फा बीटा गामा। अब देखें कि अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है एच अपॉन माइनस यू, बीटा की वैल्यू आपके एच अपॉन भी है, और गामा की वैल्यू एच अपॉन आर है, तो जो हमारा रिलेशन टू है इस रिलेशन में हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए देन ये हम लेते हैं, देखिए हमने पुट कर दिया तो म्यू टू और ये आपकी बीटा था, तो बीटा की वैल्यू एच अपॉन भी और यह अल्फा था तो एच अपॉन माइनस यू और इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये गामा था तो गामा की वैल्यू एच अपॉन आर। अब यहाँ पे देखें इसको सिंप्लीफाई करना है तो एच को आप कामन ले लीजिए और एच को कामन लेकर आप काट दीजिए, तो यच आपका कैंसिल हुआ तो यहाँ मिला म्यू टू अपॉन भी और ये इसको माइनस करेगा तो माइनस म्यू वन अपॉन यू, तो हमको मिलेगा म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब देखिए कि हम इसमें डिवाइड करते हैं म्यू वन का, यानी हमको डिवाइड करना है तो आप म्यू वन को डिवाइड करेंगे तो ये म्यू टू अपॉन म्यू वन होगा, ये म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू, म्यू टू अपॉन म्यू वन मीन्स हुआ कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, तो हमारा मीडियम टू जो है वो डेंसर है और मीडियम वन आपका रेयर है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, तो हम इसको यही लिखते हैं। तो देखिए कि म्यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, अब यहाँ पे आप म्यू वन को डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर में, तो यहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन ये कट गया, म्यू टू अपॉन म्यू वन ये कट गया, माइनस वन हो जाएगा, तो इसको हम म्यू लिखेंगे, इसको म्यू लिखेंगे, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा म्यू अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है आपका कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखें तो उसमें ये अधिक काफ़ी जो होता है इसको पूछ रखा है, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, यहाँ पे आप फिगर देखें, यह हमारा कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है स्टूडेंट, तो आप देखें कि यहाँ पे एस पी एस डैश, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स वाले में देखा था, तो एस और पी और एस डैश इज द कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हम सपोज कर लेते हैं हमारा म्यू वन है, और ये देखिए कि इस तरफ हम आते हैं तो सपोज करते हैं ये हमारा म्यू टू है, तो ये आपका स्टूडेंट देखें कि यहाँ पे हम लेते हैं ये देखें कि ये टू मीडियम को सेपरेट कर रहा है एस पी एस डैश, वो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से टू रेज आपकी निकलेंगी, एक रेज ये है एक रेज ये है, तो ये वाली रेज जो वो सी रेज है या वो पी रेज है या नॉर्मल इंसिडेंट होती है वो आगे निकल जाती है। यहाँ पे आएंगे तो आप देखें कि हमेशा जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो सी ए एन हमारा नॉर्मल है। अब ये रेज आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अब इस रेज को हम बैक साइड में ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हमारा इमेज होगा। अब फिर अगेन यहाँ से मान लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रेज अल्फा मेक कर रही है, ये बीटा और फिर ये गामा। अब ये देखें
इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो आपका आर होता है, और ये रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होती है वो आपकी आई होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर और एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका आई है। अब ये देखें कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं, तो ये अगर आपका आर है तो ये भी आर होगा। अब यहाँ से हम इसको चाहे तो पॉइंट के रूप में नोट कर सकते हैं, आप पॉइंट वाइज भी नोट कर सकते हैं। लेट एस पी एस डैश बी ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग ए रेयर मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन फ्रॉम ए डेंसर मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू। लेट पी बी द पोल एंड सी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, पी सी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ द सरफेस। पी सी हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यहाँ से देखें कि ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, इसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सभी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, तो ये सब के सब आपके निगेटिव होंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं जगह, हम ले लेते हैं कि ट्रेंगल ओ ए सी को मान लेते हैं आई, और ट्रेंगल बी ए एन को आर, पी ओ माइनस यू, पी आई माइनस बी, पी सी आपका माइनस आर है। अब हम दो ट्रेंगल को सपोज करते हैं। देखिए ये आपका ओ है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, और ये आप गामा है, तो गामा आप लेते हैं सी से, तो ये आपका सी पॉइंट है। तो ओ ए सी, अब देखिए कि गामा आपका एक्सटेरियर एंगल है, एक्सटेरियर एंगल सामने के एंगल के ट्रेंगल में सामने के एंगल के सम के बराबर होता है, तो गामा आपका होगा आई प्लस अल्फा। तो हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू इन ट्रेंगल सी ओ ए में आपका ये हो गया गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो आई आपका मिलेगा गामा माइनस अल्फा, तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फिर हम ट्रेंगल लेते हैं, यहाँ पे देखें ट्रेंगल है हमारा सी आई ए, तो आप देखें ये हमारा सी है, सॉरी ये आपका आई है, ये आपका सी है, और ये आपका ए। तो सी और ये आपका ए और ये हुआ आई, तो ये बीटा है आपका, ये आपका आर है, ये गामा है, तो गामा इक्वल टू होगा बीटा प्लस आर, क्योंकि ये एक्सटेरियर एंगल है, एक्सटेरियर एंगल जो होता है आपके सामने के एंगल के सम के बराबर होता है, तो हमको गामा मिला इतना। तो गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर, तो आर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो बीटा को आप इधर लाएंगे तो गामा माइनस बीटा। अब ये हमको दो आई और आर मिल गए। अब अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आपको मालूम है कि हमने बताया, थियरी पार्ट में भी बताया और कॉन्वेक्स वाले में भी बताया कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू वन म्यू टू साइन आर। अगर आई और आर आपके इस्तेमाल हो तो साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को आर के बराबर, तो हम लिख सकते हैं म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब यहाँ से आई और आर की वैल्यू हम पुट करेंगे और देन फाइंड करेंगे रिलेशन। तो यहाँ से देखें कि बाय स्नेल्स लॉ साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू वन, या आप म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर ले सकते हैं। यहाँ से देखिए म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि आई और आर हमारे इस्माल हैं, तो आप ले सकते हैं म्यू वन साइन आई इक्वल टू आई एंड साइन आर इक्वल टू आर, देन हम लेंगे म्यू वन आई इक्वल टू म्यू टू आर। अब आई और आर की वैल्यू आप पुट करिए तो आई इक्वल टू निकला था गामा माइनस अल्फा, और आर की इक्वल टू निकला था गामा माइनस बीटा, देन हमको मिलेगा म्यू वन गामा माइनस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू गामा माइनस म्यू टू बीटा। अब ये हमको एक रिलेशन मिला, हमको चाहिए, देखिए इस वाले को हम इधर लाते हैं, गामा वाले को इधर, तो इधर आप ले आएंगे तो म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा, ये आप इधर ला जाएंगे तो गामा और गामा कामन होगा म्यू टू माइनस म्यू वन, और ये गामा आपका कामन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन अल्फा इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन गामा। अब हमको चाहिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, तो हम लेते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें अल्फा आपका ये यहाँ से लेना ओ ए एम,
ये हमारे पास ट्रेंगल है ओ ए एम, इस ट्रेंगल में आप इसकी वैल्यू आप ओ ए एम, तो अल्फा इक्वल टू टैन अल्फा, ये आपका ए एम अपन एम ओ। हमने बताया कि अगर इसका अपर्चर स्मॉल हो तो ए पॉइंट पी के करीब होगा और एम पी के पास होगा, तो हम एम और पी को सेम पॉइंट सपोज करेंगे, तो एम इक्वल टू हम रखेंगे पी, इसको हमने मान लिया एच, तो ये एच अपन और पी ओ। देखिए पोल के लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये आपका होगा निगेटिव, तो माइनस यू ले लेंगे, तो एच अपॉन माइनस यू। फिर हम बीटा कैलकुलेट करते हैं तो बीटा इक्वल टू निकलेगा टेन बीटा। अब बीटा आप ये वाली ट्रेंगल आप ले रहे हैं, ये देखिए आई ए एम, ये हम ट्रेंगल ले रहे हैं आई ए एम, तो आई ए एम में ट्रेंगल में हम लेते हैं बीटा इक्वल टू टेन बीटा। फिर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लेंगे तो ए एम अपॉन आई एम, और आई एम को हम पी लिखेंगे तो आई पी, तो यही चीज़ ए एम अपॉन पी आई, एच अपॉन माइनस भी इसलिए ले रहे हैं कि पोल के लेफ्ट के डिस्टेंस है, तो ये माइनस भी हो गया। फिर हम लेंगे गामा इक्वल टू टेन गामा, तो ए एम अपॉन एम सी, और एम को हम पी रखेंगे पी सी इक्वल टू माइनस आर। अब इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम पुट कर देंगे रिलेशन में, और रिलेशन से हमको मिल जाएगा, देखें म्यू टू, और ये आपका बीटा था माइनस म्यू वन, ये आपका अल्फा था, म्यू टू माइनस म्यू वन ये आपका गामा था, तो एच अपन माइनस भी, एच अपन माइनस यू, एच अपन माइनस आर। अब देखें यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, एच एच एच, तो इन दोनों में से हम एच को कॉमन ले लेते हैं माइनस एच, तो ये आपका एच और ये एच कैंसिल होगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब स्टूडेंट देखिए कि हमको म्यू टू अपॉन म्यू वन चाहिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो हम इस न्यूमरेटर में म्यू वन को डिवाइड कर दें तो म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये म्यू वन कट जाएगा, फिर यहाँ म्यू टू अपॉन म्यू वन, ये म्यू वन कट जाएगा, तो ये आपका हुआ म्यू और ये आपका होगा म्यू, तो हमको ये म्यू इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो हमको मिलेगा म्यू अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देखता हूँ स्टूडेंट, तो देखें आप क्वेश्चन है हमारे पास, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 20, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास पर फॉल कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज इतना, एट व्हाट पोजिशन इज द इमेज फॉल, आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखें कि एयर यानी म्यू वन हमारा एक हुआ, म्यू टू हमारा 1.5 है, तो या म्यू अपन भी माइनस वन अपन यू का फार्मूला इस्तेमाल कीजिए और फिर फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको गिवन डाटा क्या क्या है, म्यू वन इक्वल टू वन, म्यू टू इक्वल टू 1.5, यू इक्वल टू माइनस 100, क्योंकि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में यू निगेटिव होता है आपका। अब आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम फार्मूला नोट का आर भी दे रखा है आपका, कान रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे आर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहाँ पे आर को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए, तो म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, इसको आपको 1.5 ये 1 रखेंगे, 1.5 ये 1 रखेंगे, भी आपको फाइंड करना है, यू की जगह पर माइनस 100 रख दीजिए, आर की जगह पर आप रख दीजिए 20। तो देखिए ये आपका हुआ 1.5 अपॉन भी प्लस ये आपका 1 अपॉन 100 और यहाँ पे 1.5 माइनस 1 हुआ, तो यहाँ पे देखिए कि 1.5 से 1 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5, अब 0.5 को हम 1/2 रखेंगे तो 2 आपका नीचे आएगा, तो 20 में 2 मल्टीप्लाइड करेंगे तो 40 होगा, तो और ये 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 भी प्लस 1/100 इक्वल टू 1/40। अब 1/100 को आप इस तरफ ले आइए और सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3/2 भी इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100 इक्वल टू, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 200 होगा, 5 माइनस 2 3/200, 3 से आपका 3
कैंसिल आउट होगा और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो भी आपको मिलेगा 100 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी आपका 100 सेंटीमीटर होगा। थैंक यू स्टूडेंट।